हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए 60 रुपये का डिविडेंड। ये 60 रुपये का डिविडेंड जो है बजाज के, एक ज़बरदस्त स्टॉक है बजाज ग्रुप का, इसने पिछले साल दिया था और इस बार और भी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। हर किसी की उम्मीद होती है कि जिस जितना पिछले साल मिला था उससे इस बार ज़्यादा मिलना चाहिए। तो क्या क्या डिविडेंड की हिस्ट्री है, क्या डिटेल्स है, वो जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और बजाज का कौन सा शेयर है भैया इतना ज़बरदस्त डिविडेंड देता है, वो भी जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको डिविडेंड की तरफ। बजाज ग्रुप का ये शेयर देखिए, और हर साल मई में डिविडेंड डिक्लेयर करता है, मतलब फाइनल डिविडेंड होता है। अभी पूरे साल का लेखा जोखा आते ही डिविडेंड डिक्लेयर करके दे देता है, तो याद रखिए। और ये चीज़ें, ये पॉइंट्स होती है ना, जो ये जितने भी, जैसे वो जो भी शेयर मई में, अगर जैसे मई में अप्रैल में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उनका शेयर प्राइस पहले से ही लोग सेट करके, हाँ भाई इसका तो डिविडेंड आने वाला है, सेट करके रखते हैं। तो अगर आप देखें पिछले कई सालों से लगातार डिविडेंड में बढ़त देखने को मिली, और एक साल ऐसा था 2016 जब 2 बार डिविडेंड दिया गया, और बाकी जब भी डिविडेंड है वो देखिए 55 रुपये का दिया 2016 में, 2017 में फिर 55 रुपये का, 2018 में 60 रुपये का। तो यहाँ पे उम्मीद तो हम ये करेंगे कि कम से कम 60 रुपये का तो डिविडेंड दे ही दे, लेकिन उससे प्लस हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें ऑटो सेल्स, जिस तरीके से बजाज ऑटो की जिस तरीके सेल्स है, 2-व्हीलर 3-व्हीलर मार्केट में टॉप का स्टॉक बजाज ऑटो है, तो उम्मीद है कि 60 तो नहीं, इस बार 65 देना चाहिए। तो चलिए वो तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, और रिजल्ट कब आ रहा है वो भी देखते हैं। ये तो डिविडेंड है, कंपनी का नाम है बजाज ऑटो, फिर से रिपीट कर देते हैं, बजाज ऑटो कंपनी का नाम है। 3000 का शेयर प्राइस है, ज़बरदस्त उछाल पिछले कुछ दिनों से चल रहा है इसमें। अब रिजल्ट की बात करते हैं कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 19 का रिजल्ट मई 17 को आ रहा है, मई 17, 2019 को ये रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे डिविडेंड की डिक्लेरेशन हो सकती है। चलिए बढ़िया भैया, क्योंकि कंपनी ने हर साल मई में ही डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो चीज़ें फिक्स होती हैं, तो उसी हिसाब से सारी अनाउंसमेंट्स होती हैं। बजाज ऑटो अगर आप देखोगे तो 3000 का तो प्राइस है, 90,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज़बरदस्त मैं कहूँगा। बुक वैल्यू 19 रुपये की पी, 19 की पी है। अब 19 की पी मतलब क्या होता है, देखिए हर 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में आपको 19 रुपये लगाने पड़ेंगे। बढ़िया, अर्निंग पर शेयर 162 का, ज़बरदस्त मैं कहूँगा। इस स्टॉक का इंट्रिंजिक वैल्यू देखिए, 3000 का प्राइस, 7500 का इंट्रिंजिक वैल्यू, और दूसरा पीजी रेशियो भी बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। कम से कम पी रेशियो और पीजी रेशियो दोनों कम होने चाहिए स्टॉक के, तो बहुत बढ़िया होता है। अब डेट, अगर डेट की बात करते हैं तो डेट देखिए ना के बराबर डेट, डेट फ्री शेयर, यही चीज़। और मैं ये जो पी रेशियो और पीजी रेशियो की बात करता हूँ ना, तो आप हमेशा ये देखिए कि पहले, जैसे कोई भी 2 शेयर आपको कंपेयर करने हैं सेम इंडस्ट्री सेम ग्रुप के, तो सबसे पहले पी रेशियो देखिए उन दोनों में से जिसका पी रेशियो कम है, और फिर सेकंड पीजी रेशियो जरूर देखिए कंपेरिजन के टाइम पे। सेल्स ग्रोथ 5 से 5.5% की, डिविडेंड भी बढ़िया देता है 2% के आसपास, प्रमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त है। चलिए बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया हैं, टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं एक नज़र। तो टेक्निकली अगर मैं बजाज ऑटो आपको दिखाऊं तो देखिए इसकी एक अपर बैंड है, जो अपर बैंड अभी के टाइम पे ये मान के चलिए 3600-3800 के आसपास है, और एक लोअर बैंड चल रही थी, इस बार इसने इस लोअर बैंड को धकेल के नीचे आया है और एक नया लोअर बैंड बनाया है। तो उम्मीद है देखिए, अब इसने इस पुराने इसको तोड़ के वापस जा रहा है, कोशिश यही होगी कि ये शेयर जल्दी से जल्दी अपने इस 3200 के लेवल को पार करके वापस अपने ये 3400-3500 के जो हाई का ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है उस तक जाए। नो डाउट शेयर बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपने देख ही लिया शेयर के, हर तरीके से बेहतरीन शेयर। अगर इसके पीयर ग्रुप में भी देखोगे अगर आप, तो ये महाराष्ट्र स्कूटर, अतुल ऑटो, स्कूटर सिंधी, ये सब इसके पीयर ग्रुप में, जहाँ पर ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक है। तो अभी हमने बात करी बजाज ऑटो की, डिविडेंड आ सकता है आने वाले टाइम में। बोनस की बात करते हैं तो 2010 में इसने 1:1 का बोनस दिया है, तो बोनस भी दे सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।